कड़कड़ाती ठंड और कोहरे में एक दर्जन से भी अधिक गांव के किसान अपनी जान हथेली पर रख कर खेतों पर काम करने के लिए गंगा को पार करके जाते हैं। 25 से 30 फीट गहरी गंगा को पार करके ये गन्ने जैसी जड़ों की फसल को किस तरह बाजारों और मीलों तक पहुंचाते हैं, जिसे देखकर आम आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वो अपनी उंगली दांतों तले दबा लेंगे। वैसे तो ये पूरे साल इसी तरह अपने काम को अंजाम देते रहते हैं, जिसके चलते उन्हें अपनी और अपने जानवरों की जाने तक गंवानी पड़ती है। प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन परिवार को पालने के लिए उन्हें अपनी जान को जोखिम में डालना ही पड़ता है। तुम्हारा कलीराम? कलीराम जी, आप लोग अब कहाँ जा रहे हैं? ये गन्ना छीलने जा रहे हैं। कहाँ? खातर में। अच्छा, किस से जाते हो गन्ना छीलने? मशीन से, जोड़ों से जाते हैं। नाव से? हाँ जी। डर नहीं लगता है बैठ के? अरे डर तो लगा था, बताओ क्या करें। कई मांग की सरकार से कि भाई हमारे लिए? अरे बहुत, जो कोई नेता आवा कहा थारा पुल बनवा दू, फिर तो इन लोग मुतने भी नहीं आते, देखने भी नहीं आते, कोई मर रहा है क्या है, फिर नहीं आता। रूचा मेरी ने कहा थारा पुल बनवा दू ढोलों का, अभी ढोल पता नहीं बने या नहीं बने, यहाँ कोई नहीं सुनता आकर, यहाँ तो कह के चले जा। हाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप लोग इस तरह से आते हैं? आप लोग अभी हम तो सर बरसात डूबा ही रहेगा, अब भी बरसात होगी। बिजनौर के राजा रामपुर गांव के खादर क्षेत्र के करीब दर्जनों गांव का हजारों हेक्टेयर जमीनी रकबा गंगा के दूसरी ओर पड़ा है। यहां के किसानों को गंगा के उस ओर आने जाने की कोई व्यवस्था ना होने के कारण हजारों किसान रोज नाव से अपने खेतों पर काम करने जाते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपनी गन्नी जैसी जड़ों की फसल को वो मीलों तक अपनी जान को जोखिम में डालकर पहुंचाते हैं। इस क्षेत्र के किसान अपनी फसलों को खेतों से ट्रैक्टर ट्रॉली और बुगियों से गंगा के किनारे तक लाते हैं तथा वहां से नाव से लाते हैं, जिसे देखकर आम आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो किस तरह गंगा को पार करते हैं, जिसके चलते उन्हें हादसों का शिकार होना पड़ता है। मेरा नाम विनोद कुमार है जी। विनोद कुमार, ये जो लोग नाव में ट्रैक्टर ट्रॉली रख के ले जा रहे हैं, जानवरों को ले जा रहे हैं, बुग्गी ले जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं अपने आप जी, ये लोग क्या कर रहे हैं ऐसा? ये गंगा पार जाकर अपनी खेती काश्तकारी कर रहे हैं साहब। ऐसा क्या कि नाव में जाना पड़ता है? अगर नाव में नहीं जाएंगे तो इनको दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। क्या उस पार गंगा पार करने के लिए कोई पुल की व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है पुल की। जैसे लोग जा रहे हैं कि मौत से खिलवाड़? मौत से खिलवाड़ दो वक्त की रोटी के लिए तो मौत से खिलवाड़ यहाँ करना पड़ता है। अगर यहाँ नहीं जाएंगे तो बच्चे भूखे मरेंगे, जानवर भूखे मरेंगे। कभी आप लोगों ने मांग नहीं की सरकार से? सरकार से समय समय पर जब चुनाव होता सब सरकार से मांग करते हैं और अधिकारियों के पास भी जाते हैं, लेकिन कोई इनके सुनने को राजी नहीं है। क्या इस जगह जिस जगह हम खड़े हैं, इस जगह सरकार चाहे तो प्रशासन चाहे तो टेम्परेरी पुल बना सकते हैं जी? बना सकती है, पुल बना सकती है अगर सरकार चाहे तो। टेम्परेरी पुल की व्यवस्था हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है। नहीं, सरकार ध्यान दे रही है? सरकार ध्यान नहीं देती। अगर सरकार ध्यान देती तो बन जाता है कभी का। क्या कोई प्रशासन का अधिकारी? कोई भी नहीं। प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ एक बार बरसात में आए थे, डीएम साहब आए थे, वो देख के नवंबर चले गए, कुछ किया नहीं, कुछ कोई कार्रवाई नहीं की। आप लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ इस जगह क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो है पुल बांधा जा, राजा रामपुर डेवरगढ़ और बिरवाला चाड़वाले के पास, यहाँ कई गाँव का जो है आना जाना है, दर्जनों गाँव का आना जाना है और यहाँ पुल बनना चाहिए। अगर यहाँ पुल बन जाए तो कितने लोगों को फायदा होगा इसका? यहाँ अगर पुल बन जाए तो यहाँ तो रोज के करीब कई हजार आदमी आते जाते हैं। अच्छा, प्रशासन शासन से कभी आप लोगों ने मांग की पुल की? प्रशासन और शासन से हर बार मांग करते हैं हम। क्या कहते हैं सर? आश्वासन देते हैं, फिर कोई गौर नहीं करता। कोई गौर नहीं करता जी। क्या जिस तरह से लोग ट्रैक्टर रख कर ले जा रहे हैं और बुग्गी ले जा रहे हैं, अपने बच्चों को ले जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं जी जी, क्या कभी कभी कोई यहाँ घटना दुर्घटना घटी? यहाँ कई बार दुर्घटना हुई है, यहाँ ट्रैक्टर भी गिर गए गंगा में और जान भी कई लोगों की चली गई है, लेकिन इनकी मजबूरी अगर ऐसा नहीं करेंगे
तो ये भूखे मरेंगे वही। क्या प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है? बिल्कुल जी, यहाँ कोई नहीं सुनता किसी, प्रशासन कुमकुनी नींद सोया है, ये लोग बिल्कुल ऐसे मौत से जी 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 मौत से हर बार खिलंदी करते हैं। ये तो बड़ी परेशानी के साथ यहाँ नाव डूब जाती है और सब लोग परेशान रहते हैं। यूं तो ये किसान 12 महीने इस जोखिम भरे काम में लगे रहते हैं, लेकिन कड़कड़ाती ठंड और भयंकर कोहरे के कारण इन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते इस क्षेत्र के किसानों की गंगा में डूबने से मौत हो जाती है तथा उनके जानवर भी आए दिन मौत का शिकार होते रहते हैं। उनका कहना है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ आकर नहीं देखता, लेकिन उन्हें रोटी कमाने और अपने परिवार को पालने के लिए जान को जोखिम में डालना पड़ता है। वहीं जब किसानों को हो रही परेशानी के बाबत अपर जिलाधिकारी से बात की गई तो इस बारे में उनका कहना है कि आपके द्वारा मामले की जानकारी मिली है, इस जगह पर वैकल्पिक पुल की व्यवस्था की जा सकती है। सर, ये जो गंगा क्षेत्र में गन्ना लाते हैं बुग्गे पे और बड़ा, अभी कल भी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है, क्या ये आपके द्वारा भी संज्ञान में डाला गया है कि जो नाव पे जो ट्रैक्टर चढ़ा के और उसमें गन्ना उस पार से इस पार लाया जाता है, तो इसको लिखवाया जाएगा और जो भी इसमें हो सकता है किसान भाइयों के लिए वो किया जाएगा। जहाँ तक अस्थायी पुल बनाने की बात आपने कही है, उसमें संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए जाएंगे, क्या हो सकता है उसमें देख लिया जाएगा।